गोरास घाट पर जया किशोरी के मुख से संगीतमय भागवत कथा में आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण करने वाले को लाभ मिल रहा है। इसका मुख्य विषय भक्ति योग है, जिसमें श्री कृष्ण की सभी देवों का देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। जया किशोरी के मुख से भजनों में सभी लोग नाचते गाते कथा का आनंद ले रहे हैं। साधु संतों के द्वारा भी कथा का रसपान किया जा रहा है। भागवत कथा सुनने से और आयोजन कराने के अनेकों लाभ है। आयोजित कराने तथा सुनने वाले व्यक्तियों के परिवार के पितरों को शांति और मुक्ति मिलती है। इससे सुनने से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान प्राप्त करते हुए आप सांसारिक दुखों से निकल पाते हैं। कथा का संचालन कर रहे जितेंद्र दुबे ने कहा, बोरास घाट के पतित पावन आंचल में बड़े गौरव का ऐतिहासिक कार्यक्रम बोरास की पावन भूमि पर हो रहा है। पूज्य श्री 1008 रामदास त्यागी जी के पावन सानिध्य में उनके आशीर्वाद से हो रहा है। स्वर्गीय गोविंद सिंह फरैया जी की पुण्यतिथि और स्मृति में फरैया परिवार के जिला सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह, गोलू सिंह के द्वारा पिताजी की स्मृति में भागवत पुराण का सभी को रसपान करवा रहे हैं। पूर्व विधायक दीनदयाल ढिमोले ने कहा कि नर्मदा तट पर सम्माननीय फरैया परिवार के द्वारा जया किशोरी का ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ यह परिवार दिनों दिन तरक्की करे एवं ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करवाता रहे। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उदयपुरा थाना प्रभारी एमएल भाटी ने कहा, पुलिस प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई। सीसीटीवी कैमरे के द्वारा हम निगरानी कर रहे हैं। भगवान की मैया तो मेरे पे ही बरस रही है, बरसना माने कहे मैंने कब बुलाया, मैं तो भगवान को बुला रहा। जो नर्मदा बोरास घाट पर हैं श्रद्धालु वक्त जय किशोरी जी की कथा का श्रवण करने के लिए आए गए, अंदर 50,000 की श्रद्धालु वक्त कथा का श्रवण कर रहे हैं और यहाँ गेट के बाहर आप देख रहे हैं किस प्रकार से कितना भीड़ क्राउड हैगा। प्रथम मैं आपसे कहूँ जाए दिखाएं लोगों को यहाँ पर कितनी भीड़ खड़ी हुई बाहर पर, चूँकि अंदर आने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पर सिक्योरिटी भी है, सिक्योरिटी आप देख रहे हैं उनकी भी मजबूरी है क्योंकि अंदर जगह ही नहीं है आने के लिए। वो कहाँ तक इन सभी लोगों को भोर बाहर आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा क्राउड है, कितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं। प्रथम जरा वहाँ कैमरा दिखाएं आप देख रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं, भाई साहब लोग भी खड़े हैं, कितनी महिलाएं भी बाहर खड़ी हैंगी, पर चूंकि अंदर आने के लिए जगह नहीं है, सिक्योरिटी आप देख रहे हैं गेट पर सिक्योरिटी लगी हुई है। चूंकि जय किशोरी के मुख से जब कहीं पर भी भागवत कथा का आयोजन होता है, निश्चित रूप से हज़ारों की संख्या में उनकी कथा सुनने के लिए आसपास क्षेत्र से नहीं, आसपास जिलों से भी लोग आते रहते हैं कथा का श्रवण करने के लिए। निश्चित रूप से फरैया परिवार के द्वारा मां नर्मदा बोरास घाट पर जो कथा का आयोजन करवाया जा रहा है, आसपास पूरे क्षेत्र में यदि मैं कहूँगा यहाँ देखें नर्मदा का घाट है, इस नर्मदा के घाट पर देखो कितनी ज़्यादा पब्लिक है, जनसंख्या है जो कथा को श्रवण करने के लिए आई है। यहाँ पर भी यानी पैर रखने के लिए जगह नहीं है, आप देखेंगे यहाँ पुलिस प्रशासन भी लगा, व्यवस्थाओं के लिए पुलिस प्रशासन लगा हैगा। तो निश्चित रूप से मां नर्मदा बोरास घाट पर एक धार्मिक वातावरण देखने को मिल रहा है। मां नर्मदा घाट पर बोरास में जय किशोरी के मुख से जो भागवत कथा हो रही है, मैं जानना चाहूँगा कि बहुत ही नर्मदा घाट पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जय किशोरी जी के साथ 1000 पब्लिक, कम से कम लाखों पब्लिक यहाँ पर अच्छा कार्य किया जा रहा है फरैया परिवार के द्वारा। यहाँ पर मैं विगत 4 दिन से यहाँ पर आ रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सुंदर सौंदर्यीकरण भी हो रहा है और जय किशोर जी के सानिध्य में, फरैया परिवार के सानिध्य में सबसे अच्छा मजा आ रहा है, भगवान का नाम हो रहा है, जय जय श्री राधे। इसकी इस पतन पावनी पुण्य सलीला के वात्सल्य में आंचल में ये बड़े गौरव का विषय है और ऐतिहासिक कार्यक्रम बोरास की इस पावन भूमि पर हो रहा है। पूज्य श्री श्री 1008 श्री रामदास जी त्यागी जी टाटाम्बरी सरकार के पावन सानिध्य, उनके आशीर्वाद में पूज्य श्री 1108 श्री ध्रुवदास जी महाराज जी के पावन सानिध्य में ये आयोजन हो रहा है। श्री गोविंद सिंह जी फरैया जी, स्वर्गीय श्री गोविंद सिंह जी फरैया जी, उनकी पुण्य स्मृति में उनके तीनों पुत्र आदरणीय जज साहब श्री वीरेंद्र सिंह जी राजपूत जी, आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह जी और गोलू भैया, वो तीनों मिलकर अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में इस श्रीमद् भागवत महापुराण का इस समस्त नर्मदा खंड के लोगों को रसास्वादन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम सभी आह्लादित हैं, आनंदित हैं और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम इस भूमि पर हो रहा है। कितने श्रद्धालु भक्त श्रवण कर रहे हैं कथा का? 96,000 वर्ग फीट में ये
हमारा सदन ये पांडाल लगा हुआ है और हम और आप सभी मिलकर ये देख रहे हैं कि जितनी संख्या सनातन बंधुओं की इस सदन में है उससे लगभग दोगुनी संख्या इस सदन से बाहर है। तो निश्चित तौर पर हम ये मान के चल रहे हैं कि आज रविवार के दिन 1 लाख से ऊपर सनातन बंधुओं का यहाँ पर आना हुआ है जो कथा श्रवण कर रहे हैं। जय किशोरी की जो नर्मदा बोराज घाट पर भागवत कथा चल रही है, देवेंद्र कुमार शर्मा उदयपुरा जी से पूरी व्यवस्था दिख रहे हैं, मैं उनको मिलवाता हूँ। हजारों की संख्या में यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं जी, पूरी व्यवस्थाएँ दिख रहे हैं, कैसे क्या व्यवस्था है यहाँ? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कल चौथे दिन और आज पंचम दिन में लाखों श्रद्धालु जो भागवत श्रवण करने के लिए आए हैं, काफ़ी भीड़ हो रही है, लेकिन हमारी सभी सहयोगी टीम और हमारे सहयोगी जनों के माध्यम से सभी को यथास्थिति बैठने के लिए व्यवस्थाएं भी दी जा रही हैं और सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। लाखों की संख्या में दर्शन श्रवण करने कथा करने आए हैं जी, जितने श्रद्धालु भक्त अंदर हैं उतने ही बाहर हैं जी, उतने ही रोड पे हैं, लेकिन उन सभी को सिस्टमेटिक तरीके से हमारी टीम व्यवस्थित करे हुए है ताकि कोई व्यवधान ना आए और सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू हैं। बोराज घाट पर जो भागवत चल रही है जय किशोर जी की, हजारों श्रद्धालु भक्त भागवत में आ रहे हैं, हजारों गाड़ियाँ आ रही हैं, ट्रैक्टर आ रहे हैं, टू व्हीलर गाड़ी आ रही है, पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है पूरी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए। मैं उदयपुरा बोराज घाट के थाना प्रभारी ML भाटी जी से आपको किस प्रकार से व्यवस्थाएँ दे रहे हैं यहाँ पर मिलवाता हूँ। हजारों की संख्या यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रवण करने के लिए आ रही है, टू व्हीलर गाड़ी, फोर व्हीलर गाड़ी, बसें, ट्रैक्टर आ रहे हैं, आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है पुलिस प्रशासन व्यवस्थाओं को देखने के लिए? पहले से ही इस घटना का आकलन हम लोगों ने कर लिया था, हमारे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक श्री विकास सेवाल, अमृत मीना जी एडिशनल SP साहब और हमारे SDOP राजीव जंगले साहब द्वारा निरीक्षण कर लिया था। उनके मार्गदर्शन में हमने 5 पार्किंगें बनाई थी, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर ट्राली, सभी प्रकार की अलग अलग, और वहीं से रास्ते भी दिए हैं। और लगभग आज यहाँ पर जो आई हुई हमने 5 बैरिकेड बनाए हैं, 5 बैरिकेडों के आजू बाजू से 5 रस्तों से जनता पंडाल तक पहुँच रही है और शांति से और खैरियत से चल रहा है यहाँ पे प्रोग्राम, किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई है और शांति से चल रहा है, ट्रैफिक भी किसी प्रकार का कोई जाम नहीं हो पाया। भागवत कथा में देखा गया है कि जेब कतरे सतर्क हो जाते हैं, अधिकांश घटनाएं होती हैं, यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि जिससे कि जेब कतरे घटना न घट पाए? हाँ, यहाँ पे हमने महिला का एक स्क्वाड बना हुआ है जो महिला पंडालों में घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है, और पुरुषों में भी और चारों तरफ मेले में भी 2 पॉइंट लगाए हैं हमारे जो संदिग्धों को ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है और सतत रूप से हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और चिन्हित करके उनको तलाश करके पकड़ लेंगे। CCTV कैमरे द्वारा निगरानी की जा रही है? जी, CCTV कैमरे लगे हैं, उस पर समय समय पर हम भी निगरानी करते हैं और हमारे पुलिस कंट्रोल के अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं जो उसमें देख रहे हैं समय समय। आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरे भागवत में किस प्रकार से व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, CCTV कैमरे निगरानी लगे हुई हैं, महिलाओं जहां बैठी हैं, पुरुष जहां बैठे हैं उनके ऊपर निगरानी की जा रही है, किसी भी प्रकार की घटना न घट पाए। बोराज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।